यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस कांड की हकीकत क्या है, ये अब भी पहेली बनी हुई है। एसआईटी की टीम लगातार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी खुलासा भी हो, लेकिन फिलहाल चर्चा है उस सीडीआर की जिसमें पीड़ित और आरोपी दोनों की बातचीत का खुलासा हुआ है। अब जांच के बाद सामने आएगा कि आखिर वो कौन है जिसने पीड़िता के घर से मुख्य आरोपी संदीप को 104 बार फोन किया था। जो संदीप आरोपी, उनके संपर्क में लोगों के हम नहीं रहते, ना ही उनसे कोई हमारा वास्ता, ना हम बात करते हैं उन लोगों से, और मेरी बहन तो अनपढ़ है, वो फोन भी नहीं। देखिए, सच्चाई तो पहली बात तो ये है कि हम लोग इन लोगों के, जो संदीप आरोपी, उनके संपर्क में लोगों के हम नहीं रहते, ना ही उनसे कोई हमारा वास्ता, ना हम बात करते उन लोगों से, और मेरी बहन तो अनपढ़ है, वो फ़ोन भी नहीं की पेड़ चलाना जानती। तो मैं यही कहूँगा, अगर बात करती है तो एक बार हमें रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाए उसकी, जो कि हम विश्वास कर सकें। CDR तो एक तरह से कहा जाए टेक्निकल साइंटिफिक एविडेंस होता है, उसको किस तरह से झुठलाया जा सकता है? गलत नहीं, झुठलाने की बात हम लोग नहीं कह रहे, हमें एक बार रिकॉर्डिंग सुनाया जाए, क्योंकि देखिए नंबर मैं मानता हूँ हमारा नंबर है, वो पापा का नंबर है, और मेरा नंबर नहीं है, मेरे नाम से रजिस्टर्ड नहीं है नंबर भी। सुना आपने, पीड़ित परिवार मानता है कि नंबर उनका ही है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं कि उस फोन से परिवार में कोई बात करता था। यही वजह है कि वो सारे दावों को गलत बता रहा है। कहाँ रहते थे अभी, गांव में रहते थे कि गाजियाबाद में? मैं तो गाजियाबाद में रहता था, अभी जो मेरी बहन का जो 14 तारीख को ये हुआ है, तब मैं सीधा यहाँ पे भी नहीं आया, मैं हॉस्पिटल में ही रहा हूँ। 14 अलीगढ़ गए थे आप? अलीगढ़ ही रहा हूँ। सफदरजंग, उसके बाद सफदरजंग जब बहन खत्म हो गई तब यहाँ पे आया हूँ मैं उसके साथ। तो 29 तारीख को जब बहन की मौत की सूचना हुई तब आप? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से? देखिए ये बिल्कुल, ये देखिए अब मैं इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये चारों तरफ से हम लोगों को दबाया जा रहा है, अब ये बचने के पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये आरोपी जो है हमारे ऊपर सारा इंजाम हमारे ऊपर ठोपने के लिए चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कोई मतलब अनऑफिशियल मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं कि लड़के के मोबाइल में नंबर सेव था लड़की का, सैनिटाइजर नाम से,
इस तरह की तमाम बातें आ रही है। नहीं 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 ऐसा वो सेब क्या ऐसी नहीं पढ़ी लिखी नहीं तो सैनिटाइजर क्या और कुछ कुछ लड़की के मतलब आपकी बहन का नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमको जानकारी नहीं है इस चीज़ के बारे में। लड़के से तो हमारा कोई संपर्क ही नहीं है, हम लोग बात ही नहीं करते उससे, हमारा कोई घर परिवार वाला भी बात नहीं करता उससे। एक तरफ पीड़ित परिवार का दावा है तो वही दूसरी तरफ आरोपियों का परिवार है जो नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार और खुद को पीड़ित बता रहे हैं। बिल्कुल जब निकला है तो फिर जाहिर सी बात है उसके भाई से पूछा है, वो बात करता होगा या वो बात करती होगी, जब रिकॉर्ड निकल ही रहा है बातचीत का, चाचा से तो कोई शेयर करता नहीं, ये तो तुम भी जानते हो। अब मैं कहता ग्रामीण प्रवेश में चाचा भतीजे में कहते हैं कि पर्दा होता है, शर्म तो बहुत ज्यादा शर्म होती है हमारे यहाँ। हाँ नहीं कुछ करते, कुछ नहीं बातचीत किया, सामने गालियां भी नहीं कोई किसी को दे सकता। चलो रेप की रेप नहीं हुआ लेकिन लड़की तो खत्म हुई है, उसे न्याय मिलना चाहिए, उसे न्याय मिले। नार्को टेस्ट हो चाहे SIT हो चाहे CBI हो, हम बिल्कुल सहमत हैं। और जिसका हमारे परिवार में किसी का भी करवा लो, सबका चारों सबका करवा लो, चारों लोगों का करवा लो, और कोई सगे संबंधी। कितने लोग रहते हैं इस घर में, बड़ा सा घर है? हाँ इसमें बच्चे वगैरह मिला के 40-50 लोग रहते हैं। 40-50 हाँ, छोटे से बड़े तो सबका करवा लो। सूत्रों के मुताबिक कौर चंदापा क्षेत्र में स्थित और सेल टावर से किए गए थे जो पीड़िता के गाँव फूलगढ़ी से बबुश्कर 2 किलोमीटर दूर थे। ऐसे में इस बात का सच सामने आना बेहद जरूरी है कि वो कौन है जो पीड़िता के भाई के नंबर से लगातार मुख्य आरोपी संदीप से संपर्क में था। बार है और गांव में जिस तरह का माहौल होता है कि आपका एक फैमिली का हेड होता है और उसमें उनके 4 बच्चे होते हैं, फिर उनके तमाम ग्रैंडसन होते हैं, और ऐसे में बड़ा परिवार बनकर तैयार हो जाता है। तो चहलकदमी थी, हालांकि चहलकदमी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, सन्नाटा ज़्यादा है। और ऐसे में यही कहना है जो अर्जुन है वही इस समय सबसे सीनियर हैं गाँव में, उनका यही कहना है कि कुछ भी कोई भी जाँच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाथरस के बुलगड़ी गाँव से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।